आप जिनके बारे में सोचते हो कि वो लोग मूर्ख हैं, गधे हैं, बेवकूफ हैं, क्या सच में वो लोग वैसे हैं? वैसे आपको क्या लगता है, अमीर बनना मुश्किल है या अमीर बने रहना? आखिर लोग मैक्सिमम टाइम फेल होकर भी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, क्यों? आज इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे मॉर्गन हाउजल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। वैसे इस बुक के ऊपर ये मेरी दूसरी वीडियो है। इसका जो पहला पार्ट है वो 17 मिनट का है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर दिया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखना, जिससे आपको पैसों को लेकर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वैसे इस वीडियो में मैंने 3 इंपॉर्टेंट लेसन बताए हैं, तो चलिए पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, कोई भी मूर्ख नहीं है। अमेरिकन लोग मूवीज, म्यूजिक, वीडियो गेम्स, स्पोर्ट्स एंड बुक्स पर मिलाकर जितने पैसे एक साल में खर्च करते हैं, उससे ज्यादा पैसे अमेरिका के जो गरीब लोग हैं वो लोग लॉटरी के टिकट पर खर्च कर देते हैं। हर साल ऑन एन एवरेज वो लोग $412 लॉटरी के टिकट पर खर्च करते हैं, जबकि उन्हीं 40% अमेरिकन के पास जो लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, इमरजेंसी के लिए उनके पास $400 भी नहीं होते। और लॉटरी जीतने की जो संभावना होती है वो लाखों में से एक होती है। यानी उन लोगों को अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो पैसे बचाने चाहिए, उन्हें वो एक ऐसी संभावना के लिए खत्म कर देते हैं जिसके सच होने की संभावना लाखों में से एक है। वैसे आपको ये मूर्खतापूर्ण लग रहा होगा ना, आप सोच रहे होगे कि ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ है, कि घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इनके पास इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं है और ये लोग सट्टे लगा रहे हैं। पर इसी चीज को लेकर जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तब पता चलता है कि आखिर लॉटरी टिकट खरीदने के पीछे उनके दिमाग में कौन से लॉजिक चल रहे होते हैं। वो लोग बताते हैं कि जैसे तैसे करके वो लोग एक सैलरी से दूसरे सैलरी के बीच में बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करके जीते हैं। पैसे बचाने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं होती, ना ही कोई अच्छी नौकरी पाने की संभावना होती है। वो लोग छुट्टियां नहीं मना सकते, कार नहीं ले सकते, हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं ले सकते। वो लोग एक सेफ एंड सिक्योर जगह पे घर नहीं बनवा सकते, अपने बच्चों को लोग कॉलेज तक नहीं भेज सकते। ऊपर से वो लोग बहुत ही ज्यादा कर्ज होते हैं, और तो और उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है। यानी उनके अमीर बनने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं होती, और इसीलिए वो लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। क्योंकि जब वो टिकट खरीदते हैं, तब उन्हें उस सब पाने का एक रास्ता नजर आता है, उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है कि जो सपने देखते हैं उन्हें शायद वो पूरा कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि लोग मूर्ख हैं, पर एक्चुअल में वो लोग मूर्ख नहीं है। ऑथर बताते हैं कि लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण हरकत करते जरूर हैं, पर कोई भी मूर्ख नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अलग अलग जनरेशन के लोग जिनको पालने वाले माँ बाप के इनकम अलग अलग है, पैसों को लेकर उनकी सोच अलग अलग है। जो लोग अलग अलग देश, अलग अलग एरिया, अलग अलग इकोनॉमी में पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया को बहुत ही अलग अलग तरह से देखा, उसे अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करा, वे लोग एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग लाइफ लेसन एंड फाइनेंशियल लेसन सीखते हैं कि आखिर दुनिया चलती कैसे है, पैसे काम कैसे करते हैं, या हमें अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए। देखो, हर किसी का अपना खुद का एक्सपीरियंसेस होता है, और आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं आपकी लाइफ के लिए, कंपैरिजन टू उसके जो आप वीडियोज के थ्रू, बुक्स के थ्रू या लोगों के थ्रू सीखते हो। तो आखिर पैसे काम कैसे करते हैं, इसको लेकर मेरा और आपका, हम दोनों का सोच अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत ही अलग अलग है। शायद आपके लिए जो बेवकूफी भरा लग सकता है वो मेरे लिए मायने रखता हो, शायद मेरे लिए जो गलत हो वो आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि हम दोनों ने दुनिया को बहुत ही अलग अलग तरीके से देखा है, और इसीलिए हम दोनों अपनी अपनी जगह पर सही भी हैं। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस के 50 सालों के कामों पर रिसर्च किया, जिससे उन्हें पता चला कि आखिर जो अमेरिका के लोग हैं वो अपने पैसों के साथ क्या करते हैं। इस रिसर्च से उन्हें पता चला कि लोग पैसों से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेते हैं वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लेते हैं। वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने बेवकूफ हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। उन्होंने अपनी लाइफ में पैसों से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस किया है, खासकर अपने बचपन में, उसी के हिसाब से पैसों को लेकर वो लोग डिसीजंस लेते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया। जर्मनी के खेतों में केवल उतने ही अनाज पैदा होते थे कि लोग केवल 1000 कैलोरी ही डेली कंज्यूम कर पाते थे, जबकि इसी टाइम अमेरिकन स्टॉक मार्केट 2 times अधिक तेजी से ग्रो किया। यानी उस टाइम के जर्मनी के लोगों ने पैसों को लेकर, गरीबी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर जो कुछ भी एक्सपीरियंस करा, वो उस टाइम का एक अमेरिकन सोच भी नहीं सकता है। शायद उस टाइम एक अमेरिकन के लिए स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा डिसीजन था, और वहीं पर एक जर्मन के लिए बहुत ही खराब। ऑथर बताते हैं कि अगर आप गरीबी में पले बड़े हो, अगर आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल देखा है, तो आपकी पैसों को लेकर जो सोच होगी वो एक अमीर आदमी की सोच से बहुत ही अलग होगी। शायद एक अमीर आदमी के लिए बिजनेस स्टार्ट करना, पैसों को इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन है, जबकि एक गरीब आदमी के लिए नॉर्मल सी जॉब करना और अपने पैसों को सेव करना एक सही डिसीजन हो सकता है। यानी एक के लिए जो सही हो सकता है, वहीं पर दूसरे के लिए वो चीज गलत हो सकती है, और यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। ऑथर बताते हैं कि पैसों को लेकर आपके खुद के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपकी सोच होती है,
वह इस पूरी दुनिया के लोगों के एक्सपीरियंसेस के सोच के केवल 0.00000001% होता है। लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ये दुनिया आपके लिए 80% चलती है, यानी जैसा आप सोचते हो। तो आप जरा सोचो कि अगर आपके एक्सपीरियंसेस गरीबों वाले हैं तो आप कैसे अमीरों जैसे डिसीजन ले सकते हो और अमीर बन सकते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आप गरीबी में पैदा हुए हो, आपके एक्सपीरियंसेस गरीबों वाले हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंसेस है वो आपकी किस्मत है। ऐसा तो है नहीं। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कम से कम पता है कि आपको जो लग रहा है आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कि ये सही है, वो गलत हो सकता है। तो कम से कम आपको इतना पता है, यानी आप अवेयर हो एक तरह से। तो इसलिए आप सोचो, समझो, एनालिसिस करो, बुक्स पढ़ो, एक्सपर्ट लोगों से सीखो और फिर अमीर लोगों की तरह डिसीजन लो, एक्शन लो और फिर अमीर बनो। ऑथर ने एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि कुत्तों को 10,000 साल पहले पालतू जानवर बनाया गया था, पर वो अभी भी अपने पूर्वजों जैसे कुछ कुछ कांड करते हैं। जबकि हमारा जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बस कुछ ही सालों का है, किसी को 2-4, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 50। यानी अभी हम मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के लर्निंग फेज में है। तो आखिर कैसे हम 100% परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं? शायद ही पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप गलतियां करते रहो, सीखते रहो। तो अब जब आप किसी को देखो कि वो आपकी तरह पैसों के बारे में नहीं सोचता, आपके जस्ट अपोजिट डिसीजंस लेता है, तो आप ये मत सोचो कि वो बेवकूफ है, बस उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपसे अलग है। लेसन नंबर 2, अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। जेसी लिवरमोर 1877 में पैदा हुए थे, जब लोगों को ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब के टाइम में वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर थे और 30 साल की एज में उनकी जो टोटल नेटवर्थ थी वो $100 मिलियन थे। अक्टूबर 1929 में मार्केट क्रैश कर गया और केवल एक ही हफ्ते में स्टॉक मार्केट के 1/3 से भी ज्यादा पैसों का सफाया हो गया, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के बहुत सारे ट्रेडर्स अपना सब कुछ गवा दिए और पूरे न्यूयॉर्क सिटी में लोगों की सुसाइड की खबरें फैलने लगी। और इसी कारण लिवरमोर की वाइफ, उनकी माँ, उनकी पूरी फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा डर गए थे और सभी लोग घर में बैठकर रो रहे थे। तभी लिवरमोर घर आते हैं और सभी को रोते देखकर शॉक हो जाते हैं और अपनी वाइफ से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग रो क्यों रहे हो। तो उनकी वाइफ बोली, हम बर्बाद हो गए ना। तो उन्होंने बोला, नहीं डार्लिंग, आज मेरे ट्रेडिंग का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि मैंने मार्केट के गिरावट पर दावा लगाया था और इसी कारण मुझे केवल एक ही दिन में $3 बिलियन से भी ज्यादा पैसों का फायदा हुआ। यानी इस फाइनेंशियल क्राइसिस में हम बर्बाद नहीं हुए, बल्कि हम इस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इंसान बन गए हैं। एक और आदमी था, अब्राहम जर्मांस के। अब्राहम एक रियल एस्टेट बिल्डर थे और 1920 में इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। 1929 में इन्होंने मार्केट ऊपर जाएगा इस पर भारी दाव लगाया, जिसके कारण उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया और इसी कारण इन्होंने सुसाइड कर लिया। अक्टूबर 1929 की मार्केट क्रैश ने जहां एक तरफ जेसी लिवरमोर को वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक बना दिया, वहीं दूसरी तरफ अब्राहम जर्मांस्की को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। 1929 के सक्सेस के बाद लिवरमोर को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था और फिर उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूब गए और 1933 में उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गवा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। ऑथर कहते हैं कि बस इनके सुसाइड करने का टाइम अलग अलग था, लेकिन लिवरमोर और अब्राहम जर्मांस्की के बीच एक कॉमन चीज थी कि दोनों अमीर बनने में बहुत ही अच्छे थे। दोनों ने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन अमीर बने रहने में उतने ही खराब, यानी दोनों अपने पैसों को बचा नहीं पाए। ऑथर बताते हैं कि अमीर बनना मुश्किल है, पर अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। मान लो अगर आप अमीर हो या आप किसी तरह से अमीर बन गए, पर अगर आपको अमीर बने रहना नहीं आता, तो आप लिवरमोर और जर्मांस्की की तरह अपने सारे पैसे को डुबा दोगे। तो इसलिए यह जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अमीर हो या इन फ्यूचर आप कभी अमीर बनो, तो आप कैसे अमीर बने रह सकते हो। तो देखो, आज के टाइम में पैसों के ऊपर हजारों बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हो, उसके क्या क्या तरीके हैं। लेकिन अमीर बने रहने के बस कुछ ही तरीके हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखो, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, होपफुल एंड पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, कभी कभी आपको लोन्स भी लेने पड़ेंगे, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको अमीर बने रहना है, तो आपको इसका ठीक उल्टा करना पड़ेगा, यानी आपको हमेशा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको फालतू के लोन लेने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको रुकना पड़ेगा, कभी कभी आपको अपने माइंडसेट को नेगेटिव रखना पड़ेगा कि आपके पास अभी जो पैसे हैं, जो आपके बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, उसमें आपकी मेहनत के अलावा लक का भी कुछ हाथ है और कभी भी रिस्क की वजह से ये सारी चीजें आपसे छीन सकती हैं। इसलिए आपको लापरवाह नहीं होना है और सबसे जरूरी, शो ऑफ के चक्कर में आपको खर्चे नहीं करने हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो करोड़पति से रोडपति बन गए केवल और केवल शो ऑफ के चक्कर में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपको अमीर बने रहना है, तो आपके अंदर डर भी होना चाहिए। वैसे ये मैं नहीं, ये सिक्वायर कैपिटल के हेड मिस्टर माइकल बताते हैं। एक बार चार्ली रोज ने मिस्टर माइकल से पूछा
कि आपकी कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है उसका कारण क्या है? तो उन्होंने आंसर दिया, डर की वजह से। उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा बिजनेस डूब ना जाए या कहीं कंपटीशन की वजह से मैं बाहर ना हो जाऊं। उन्होंने कहा, आज भले ही मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हूं, पर शायद कल मैं उतने पैसे ना कमाऊं, और इसी डर की वजह से मैं अच्छे से ईमानदारी से और मेहनत से काम कर पाता हूं, और इसीलिए मैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल हूं। और देखो, ये सच है कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर डर है तो आप कभी भी ऐसे काम नहीं करोगे जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम हो। एग्जाम्पल, आपके अंदर डर होता है कि अगर आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए आप आग में हाथ नहीं डालते। तो सेम ऐसे ही जब आपके पैसों को, आपके बिजनेस को लेकर आपके अंदर डर होता है कि ये डूब सकते हैं, तो आप कभी भी ऐसे फालतू के, ऐसे गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करोगे जिससे बाद में आप लॉस में जाओ, आपको प्रॉब्लम हो। यानी डर जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो ऑथर बताते हैं कि अगर आपको अमीर बने रहना है तो आपको कंपाउंडिंग के फायदे पर फोकस करना होगा। बस आपको लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहना है, चाहे आपको रिटर्न्स कम मिले या ज्यादा, अब बस लंबे टाइम तक मार्केट में बने रहो, बाद में आपको कंपाउंडिंग का फायदा दिखेगा और आप बहुत ज्यादा वेल्थ बना लोगे। और यही सीक्रेट है वॉरेन बफेट के अमीर होने का। लेसन नंबर 3, आप मैक्सिमम टाइम गलत हो सकते हो पर फिर भी बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हो। 1935 तक वाल्ट डिज्नी ने 400 से ज्यादा कार्टून बनाए जिनमें से मैक्सिमम फ्लॉप हो गए और उनको बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ, और इसी कारण डिज्नी का पहला स्टूडियो बैंकक्रप्ट हो गया। बट 21 दिसंबर 1937 में जब उन्होंने स्नो व्हाइट एंड द सेवन डॉफ को रिलीज किया तो इसने डिज्नी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक मिनट, खाना अभी तैयार नहीं है, जरा जाके नहा लो। 1938 के पहले 6 महीने में इसने $8 मिलियन कमाए जो पिछली किसी भी कमाई से बहुत ही ज्यादा था। इससे स्टूडियो का सारा कर्ज चुका दिया गया, जो भी मेन लोग काम करते थे उनको बोनस दिया गया, और वुडवर्क में डिज्नी ने एक नया स्टूडियो खरीदा जो अभी भी वहां पर है। 1938 तक डिज्नी ने कई सौ घंटों की एनिमेटेड फिल्म बनाई, लेकिन स्नो व्हाइट एंड द सेवन डॉग के वो 83 मिनट ही मायने रखते थे जिसने डिज्नी को एक सक्सेसफुल स्टूडियो बना दिया। अमेजन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, उन्होंने भी बहुत सारे अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाए, और बहुत से उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिनसे उनको बहुत ही कम कमाई होती है, पर उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि अमेजन वेब सर्विसेज जिससे उनको बहुत ही ज्यादा कमाई होती है, और ऐसे ही कुछ गिने चुने प्रोडक्ट के कारण ही अमेजन आज इतनी बड़ी कंपनी बनी। एक बार अमेजन ने फायर फोन नाम का एक प्रोडक्ट बनाया जो कि फेल हो गया। फेल होने के कुछ ही देर बाद कंपनी के सीईओ जब बेजोस ने कहा, अगर आप सोचते हो कि यह एक बहुत बड़ी असफलता है तो फिलहाल हम इससे भी बड़ी बड़ी असफलताओं पर काम कर रहे हैं, और कुछ तो इतनी बड़ी हैं जिनके सामने फायर फोन की जो असफलता है वह एक छोटे से ब्लिप की तरह नजर आएगा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं। 2013 के एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में 400 से 500 स्टॉक्स रखे, लेकिन उनमें से केवल 10 पर ही मैंने अपने मैक्सिमम पैसे लगाए, और केवल उसी 10 से मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए, और बाकी जितने भी थे उनसे मैंने बहुत कम कमाए, और कुछ से तो मुझे लॉस भी हुआ। मेरे खुद के YouTube चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स बस मेरे एक या दो वीडियोस के थ्रू ही आए हैं। बाकी के जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनसे मुझे बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स मिले हैं, और ऐसे ही हर एक यूट्यूबर और हर एक फिल्म स्टूडियो के साथ होता है। वैसे इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद आखिर मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, तो देखो ऑथर कहते हैं अगर आप एक पायलट हो तो उसमें आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाते हो तो वहाँ पर भी आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, और ऐसे ही बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर आपको परफेक्ट होना ही पड़ेगा, यानी बिना परफेक्शन के काम नहीं चलने वाला। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में, बिजनेस के मामले में, पैसों के मामले में आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप इसमें आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हो पर फिर भी आप सक्सेस पा सकते हो, बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ऑथर कहते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर अच्छी खासी जानकारी है, अच्छी खासी समझ है, तो फिर भी आप 10 में से 5 बार ही सही हो गए, यानी 5 बार गलत। अगर आप एक बहुत ही अच्छे और समझदार बिजनेसमैन हो तो भी आपके जो प्रोडक्ट होंगे, जो आपके डिसीजंस होंगे, तो आधे बार ही वो सही से काम करेंगे जिनसे आपको फायदे होंगे, बाकी काम नहीं करेंगे, बाकी से आपको नुकसान भी होंगे। और सेम ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होता है, फिल्म स्टूडियोज के साथ होता है, यूट्यूब वीडियोज के साथ होता है। तो अब जब आपको पता है कि आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हो और फिर भी आप बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हो, सक्सेस पा सकते हो, तो इसलिए अब जब आपके डिसीजंस गलत हो, आप फेल हो, आप लॉस में जाओ, तो आप डिमोटिवेट मत हो, और डिमोटिवेट होकर काम को छोड़ो मत, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मामले में, बिजनेस के मामले में, पैसों के मामले में ये सब नॉर्मल सी बात है, और हाँ यूट्यूब के मामले में भी। तो अब हम इस पूरी वीडियो की समरी देख लेते हैं कि आखिर हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। तो नंबर 1, कोई भी मूर्ख नहीं है, सबके अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं और सभी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और उसी के हिसाब से वो लोग अपनी लाइफ को जीतते हैं। एंड नंबर 2, अमीर बनना मुश्किल है पर अमीर बने रहना उससे
उससे भी ज्यादा मुश्किल। और मैंने आपको टिप बताए कि आप अमीर कैसे बने रह सकते हो। एंड लास्ट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट के मामले में, बिजनेस के मामले में और पैसों के मामले में आप कभी भी हमेशा सही नहीं हो सकते, पर फिर भी आप बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और हाँ, पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो बस इस वीडियो में इतना है। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।